रेंज में आपका स्वागत है। मैं धनंजय वाजपेयी। कहा जाता है कि नेता समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक नेता का ऐसा काला कारनामा सामने आया जिसे सुन करके लोगों का सर सर से झुक गया। जी हाँ, रौजा थाना क्षेत्र के नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी के नेता के होटल में सेक्स रैकेट चल रहा था, जिसका भंडाफोड़ पुलिस ने किया और यहां से 7 युवक और युवतियों के जोड़े पकड़े गए। बताया जाता है कि यहां पर अवैध संबंध बनाने के लिए युवक युवतियों को किराए पर कमरा दिया जाता था, उनको आश्रय दिया जाता था और संरक्षण दिया जाता था। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम इस होटल में लगा हुआ था, इसलिए पुलिस भी हाथ डालने से संकोच करती थी। लेकिन पुलिस अधीक्षक एस आनंद को जब ये खबर लगी तो उन्होंने देर नहीं की और शिकंजा कस दिया। आइए देखते हैं। रोजा थाना क्षेत्र के ग्राम बल्लिया में स्थित आशा मन्नत गेस्ट हाउस में काफ़ी समय से संदिग्ध युवक युवतियों का आना जाना लगा रहता था। आज पुलिस ने अचानक जब छापा मारा तो देखकर दंग रह गए। कमरों के अंदर कई जोड़े युवक युवतियां आपस में अश्लील हरकत करते हुए पाए गए। आपको बता दें कि ये गेस्ट हाउस भाजपा नेता व पूर्व नगर पंचायत चेयरमैन अजय गुप्ता उर्फ पोता का है। गौरतलब है कि अंग्रेजी शराब की स्मगलिंग में भी पोता का नाम किसी समय काफ़ी चर्चित रहा है। पुलिस ने कितने लोगों को पकड़ा है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की है, किंतु सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 7 जोड़े पकड़े गए हैं, यानी कुल 14 युवक युवतियां अवैध संबंध बनाते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। एसपी सिटी संजय कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में ज्ञात हुआ है कि अवैध संबंध बनाने के लिए युवक युवतियों को महंगे दामों पर कमरा इस गेस्ट हाउस में उपलब्ध कराया जाता था, जबकि दूसरी ओर इस संबंध में भी इनकार नहीं किया जा सकता कि रईस जादों के लिए गेस्ट हाउस की तरफ से मोटी रकम वसूल कर लड़कियां अयासी के लिए उपलब्ध कराई जाती थी। कुल मिलाकर यह गेस्ट हाउस देह व्यापार का अड्डा बना हुआ था। दूसरी ओर का बताना है कि यहां पर इस प्रकार की जिस्म फरोशी का कारनामा काफ़ी समय से चल रहा था। रिसेंटी न्यूज ब्यूरो। सर, थाना रोजा में मन्नत लॉज में जो पुलिस की दबिश हुई है, सर उसमें क्या कहना है? रोजा में एक मन्नत गेस्ट हाउस है, यहाँ पर पुलिस सूचना मिल रही थी कि ये लोग कमरे प्रोवाइड कराते हैं जो स्त्री पुरुष आते हैं वाइस संबंध बनाने के लिए। तो इस सूचना के आधार पर पुलिस ने इसको डेवलप किया और वहाँ पर दबिश दी गई, तो ये बात सही पाई गई है कमरों की तलाशी के दौरान, और वहाँ पर कुछ लोग पकड़े गए हैं। इसमें अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा और कठोर धारा में पंजीकृत करके गेस्ट हाउस वाले के खिलाफ और जो वहाँ पर उपस्थित हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित। अभी तो मौके पे कितनी बरामद है ऐसी कोई बात नहीं बताई जाती, इतनी पूरी डिटेल नहीं है, लेकिन गेस्ट हाउस के खिलाफ जिन धाराओं में कार्रवाई बनती होगी बिल्कुल कठोर धाराओं में FIR पंजीकृत की जाएगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। कमरे प्रोवाइड ये पूरा कनेक्शन देखा जाएगा कि उसका कितना इन्वॉल्वमेंट है, कमरे प्रोवाइड कराने तक है या और भी है।